क्या सुरमा भोपाल, तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो। अरे मियाँ, कम नहीं करूँगा तो क्या बढ़ाऊंगा। जो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा है और आप कह रहे हो कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे। ये लो 2 रुपए का नोट है। हाँ वो तो मैं भी देख लिया हूँ, लेकिन खरा है कि नहीं? हाँ खरा है, बड़ी खुशी की बात। अच्छा साहब तो खुदा पैसे तो वापस कर दो। पीते मांग रहे हो, वो नोट तो 2 रुपए का था। अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है। 2 रुपए में इतनी लकड़ी? और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे। देखो हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवान की डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे? चलो जाने कहाँ से आ जाते हैं सारे। ये 2 रुपए की लकड़ी नहीं, अबे जंगल खरीदेगा 2 रुपए सारे। सुबह सुबह दिमाग खराब करने चले आते को देखो। अरे जान मियाँ, क्या देखो पिए थे शायरी करते रहते हो। अरे बाहर देखो ट्रक से माल उतरा है कि नहीं दोस्त। अरे भैया यहाँ कोई तमाचा हो रहा है, गाफे खाना है, कौन हो आप लोग? अरे हाँ आप लोग यहाँ कैसे हो सुरमा भोपाली? अरे भैया मैं तो आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, मगर ये कर क्या रहे हो आप लोग? इधर आ जाओ। अरे हाँ इधर पुलिस ने आप दोनों पर 2000 रुपये का इनाम रखा है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो आपके साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। आप तो यहाँ से निकल लो। सूरमा भोपाली हम जेल जाना चाहते हैं। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। भोपाल होता तो हम तो ये थे 2 मिनट में आपको अंदर करवा देते। हमारा नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी क्या जरूरत है? या तो वैसे ही आपके नाम का वारंट निकला हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें जेल ले जाओ। क्या किए गए हो आप? हम पर 2000 रुपए का इनाम है, वो पूरा तुम्हें मिल जाए। और जब हम छूट कर आए तो उसमें से आधा हमें दे देना, समझे? क्या किए गए हो आप? अरे खाम मैं तो कह रहा हूँ पान खा लो आप। ले लो पान, बहुत अच्छा है भैया, बहुत बनेगा पारे। ये जाने काका आते आ जाते हैं। ये साली ब्रेकअप से शुरू हो गई। बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है, सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत खड़ूस है। नया जेलर बहुत खड़ूस है आ रहा है। वो तो पहले ही से अटेंशन है। आप जानते हैं, जानते जानते हैं। कहाँ भी हो, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं, घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये जा परिंदा हुजूर, कबूतर कबूतर निकालो। अच्छा जाने दो, आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो। बड़ा अजीब आदमी है। जेलर का जासूस कौन है? मैं बताऊं, वो है ना अपना हरिराम नाई,
जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ हरे राम नारी। हरे राम, अब तो ये मूंछें भी निकाल दो। सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू। अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? काट दिया। सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए। सुरंग निकाल कहां से रहे हो? बैरिक नंबर 9 के बराबर से। कहीं जेलर को पता ना चल जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आओ। बस हो गया। साहब। आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर भाई। हमारी जेल में सुरंग? पिस्तौल यहाँ है। जरा भी हिलने की कोशिश की तो दिशु। चले गए।
चलो अपने दफ्तर। चलू कैसे, तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। चार अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। अटेंशन, लेफ्ट हैंड, बदले पीक पार्ट, फाइट, लेफ्ट, 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 फाइट, लेफ्ट, 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 मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दी मैंने पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते किधर वा, और कस के धो दिए लबाड़े के चलो छाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ, मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मेरे पिन फिनाई है तो जाना सुधाई कर दी, झटा झट झटा झट, बहुत मारा बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। ये माशाल्लाह तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी डन डन हो रही है। सूरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ हाँ, 1000 रुपए। अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है, लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हूँ। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे। मुझे इन्हीं दोनों की तलाश थी। कब तक इन दोनों की सजा खत्म हो जाएगी? अगले महीने की 18 तारीख को। संतरी साहब, एक बीड़ी पिलाइए। इंस्पेक्टर साहब, आज किसे जेल छोड़ने आए हैं? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलबीर सिंह हूं। क्यों, खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब? अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। कितने चाहिए? 10,000। बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। गब्बर सिंह, वो मशहूर डाकू,
हाँ वही। सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है। 50,000 जिंदा या मुर्दा, तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है जिंदा। गब्बर सिंह को पकड़ना है वो भी जिंदा? ठाकुर साहब, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया? जानता हूं काम मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। चलिए माना हमने अपनी जान पर खेल कर किसी तरह गब्बर सिंह को पकड़ भी लिया। आप चाहते हैं 20,000 में हम उसे आपके हवाले कर दें और आप घर बैठे 50,000 कमाएं? पुलिस का इनाम भी तुम्हीं को मिलेगा, मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए। कोई पुरानी दुश्मनी? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। तो कुछ और पूछें ठाकुर साहब, आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। रामलाल, ये 5,000 हैं, दूसरे 5 जब तुम रामगढ़ आओगे, बाकी के काम खत्म होने के बाद। पार्टनर क्या बोलता है? हेड चलते हैं, टेल नो। पहले ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफुजुल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया, अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है चलना है चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो मुझे बेफिजुल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गई सो बोल गई। हाँ तो ठीक है हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तब पूछो कि तांगा किस गांव का है। पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहां से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, यूं कि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात, अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ, और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। चाय खानो, क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गए हैं। तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती? बोलो इसमें क्या बात है, शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता।
रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा? कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। आ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूँ कि तुम आदमी अच्छे हो इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट। हाय क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं बहुत सारी बातें करती है। चल यहाँ लड़की देखी लाइन लगाना। चलो चल चलना। आइए आइए आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। यहाँ पहुंचने में तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं। अगर एक खत डाल देते तो मेरा आदमी स्टेशन आ जाता। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। रावलाल मेरा वादा था गांव पहुंचते ही तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे। काम अच्छी तरह याद है ना, मुझे गब्बर चाहिए जिंदा। जी हाँ याद है, आपको गब्बर चाहिए और जिंदा चाहिए, मिल जाएगा। थके हो गए आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए। आइए सुनिए, आप लोग वहां चलिए, मैं चाबी लेकर आता हूं। तिजोरी में काफी माल है। लगता है इस गांव के लोग सोना बहुत पहनते हैं। बोल क्या बोलता है? काफी बड़ा मकान है। अच्छा है, कौन कौन रहता है यहाँ पर? चाबी, ये आपके रहने की जगह है, किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। पुकार लेंगे। यार वीरू चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आया। हमें क्या लेना है जय? 10,000 ठाकुर ने दे दिए हैं, बाकी आज रात को तिजोरी में झाड़ू मारकर फूट चलेंगे। ठीक है, अगर रात को जागना है तो अभी सो लें। चल
ठाकुर साहब, ये लोग? ये मेरे आदमी है। तो फिर इन्होंने हम पे हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था अब भी तुम्हें वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया। तो फिर क्या देखा आपने? मैंने देखा तुम्हें यहां बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। एक गलती की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोलकर दिखा दी।